सो लास्ट टाइम तक हमने सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चन किए थे कैपेसिटर्स के, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको एक बुकलेट दी थी ग्रीन कलर की, जिसमें सिर्फ डेरिवेशन है एनसीईआरटी की, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हमने ऑलरेडी कर लिया। तो आज हम करेंगे, टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हम इस टॉपिक में ये प्रूव करेंगे कि आपके पास अगर मान लो तीन कैपेसिटर्स हैं और तीन कैपेसिटर सीरीज में हैं, C1, C2 एंड C3 सीरीज में हैं, और आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स बना देते हैं CS। तो अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में हैं और अगर वो सीरीज में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स बनाते हैं या नहीं बनाते, तीन कैपेसिटर्स ने अलग अलग एनर्जी स्टोर की, मान लो 10 जूल, 5 जूल और 5 जूल, कुल मिला के कितनी 20 जूल। और अगर आप उन तीन की जगह एक कैपेसिटर ले लें, तो वो एक कैपेसिटर भी 20 जूल एनर्जी ही सेव करेगा। तो ये मुझे प्रूव करना है, चाहे आप एक में करवा लो चाहे आप तीन अलग अलग में करवा लो, आंसर सेम आएगा। इसको एनर्जी कंजर्वेशन भी बोला जा सकता है। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रुपिंग ऑफ सीरीज के अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर सीरीज में है, C1, C2 एंड C3। और अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू उनकी क्या होगी, CS। CS का मतलब, CS क्या होगा, 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सबको मालूम है। तो एनर्जी के हमने तीन फॉर्मूलाज किए थे। पहला फॉर्मूला किया था हाफ इंटू क्यू इंटू वी, दूसरा फॉर्मूला किया था हाफ इंटू CV स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला किया था हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो आप प्रेफर करें कि एनर्जी का फॉर्मूला ये यूज करें जिसमें चार जाता है और वी नहीं आता, क्योंकि जिसमें चार जाता है उसके अंदर, क्योंकि सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, सेम, तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेनिफिशियल है। और जब पैरेलल का क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूला यूज करें हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वी की वैल्यू पैरेलल में क्या रहती है, सेम। राइट, क्लियर है यहां तक? तो इसमें टोटल एनर्जी मान लो जब कैपेसिटर सीरीज में है तो आपने क्या लगाया, हाफ क्यू स्क्वायर बाय CS। तो इस केस में 1/CS क्या होता है, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो आप 1/CS की जगह वैल्यू पुट करें 1/C1, 1/C2, 1/C3 और इन्हें मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। अब क्योंकि तीन कैपेसिटर्स किसमें है, सीरीज में, तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के ऊपर क्यू चार्ज है, सीरीज के ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, क्यू चार्ज होगा। तो आप चेक कर सकते हैं क्यू चार्ज तीनों में सेम है, कैपेसिटी C1, C2, C3, तो फर्स्ट कैपेसिटर पे एनर्जी क्या आएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1, सेकेंड के ऊपर क्या आएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय C2, थर्ड के ऊपर हाफ क्यू स्क्वायर बाय C3। तो आप ऐसा मान सकते हैं जो टोटल एनर्जी सीरीज में थी वो U1 प्लस U2 प्लस U3 के इक्वल होगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि चाहे आप इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर करवा लो तीन कैपेसिटर्स की या इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स में करवा लो, आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, दोनों में सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, अब सेम चीज हम क्या प्रूव करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो आपके पास तीन कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। हालांकि हम हाफ क्यू स्क्वायर बाय वी भी यूज कर सकते थे, क्यू स्क्वायर बाय सी, हम क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें क्यू का चक्कर ना डालें, क्योंकि क्यू डिवाइड हो जाता है पैरेलल में। तो इसमें हम क्या यूज करें, हम वी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हाफ सी पी वी स्क्वायर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर सी पी है, तो सी पी किसके इक्वल है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी पी की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ गई। अब चेक करें, दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड एंड थर्ड। तो तीनों कैपेसिटर क्योंकि पैरेलल में है तो वी की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। तो ये आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट शो करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो हम करेंगे, जिसके ऊपर आज के काफी ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और जिसके ऊपर कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स और कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं कंपटीशन के अंदर, आती हैं एनसीईआरटी के अंदर, बेसिक आती हैं कंपटीशन में, बहुत नीट और मेंस में बहुत आता है, जिस टॉपिक को क्या बोला जाता है, कॉमन पोटेंशियल। क्या है कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल है कि सपोज करो
आपके पास एक कैपेसिटर है, मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस C1 है। आपके पास एक और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, और ये दोनों प्लेट्स V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं, ये दोनों प्लेट्स V2 पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं। तो V1 V2 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके सामने दो कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग चार्ज है। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? Q1 इज इक्वल टू कितना? C1 इंटू V1। इसके ऊपर कितना चार्ज है? Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। क्लियर है यहां तक? मैंने क्या किया, इन्हें ज्वाइन करना है, मैंने इन्हें ज्वाइन किया, ये पॉजिटिव और ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसे पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट था। ए का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। ए का कितना है? V2। चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल कैपेसिटर टू अ लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर, चार्ज मूव करेगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम। तो अगर ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे था, ये V2 पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो थोड़ी देर के बाद पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली क्या हो जाएगी? सेम। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो V दोनों में कॉमन आएगा, सेम आएगा, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉमन पोटेंशियल किसे बोलते हैं? कि पहले पोटेंशियल V1 V2 ज्वाइन करने के बाद V एंड V, क्योंकि पोटेंशियल को तो सेम होना ही है, क्योंकि चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, तो ये कॉमन पोटेंशियल। ये मुझे निकालना है। इसको निकालने के लिए चार्ज की वैल्यू, जो पहला कैपेसिटर था जब मैंने इनकी शेयरिंग नहीं की थी, तो चार्ज क्या था? C1 V1। चार्ज की वैल्यू इसमें कितनी है? C2 V2। अब इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? C1 V। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? C2 V। चार्ज हवा में तोड़ेगा नहीं, रहेगा तो कैपेसिटर्स के बीच में ही। तो इसका मतलब टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर्स का और टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर्स का सेम। तो टोटल चार्ज इन दोनों का कितना है? C1 V1 C2 V2। टोटल चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स का क्या है? C1 V और C2 V। इक्वेट कर दिया हमने। तो यहां से V की वैल्यू कॉमन निकाल के क्या आएगी? C1 V1 C2 V2 C1 C2। दिस इज दी वैल्यू या एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कॉमन पोटेंशियल क्या है? कॉमन पोटेंशियल का मतलब जो दो कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे उनका जो पोटेंशियल कॉमन आएगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और यही इसमें निकाल रखी है। अगर आप चेक करेंगे, ये देखो आपके असाइनमेंट में, बिफोर शेयरिंग कैपेसिटेंस कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2। आफ्टर शेयरिंग कैपेसिटेंस कितनी है? C1 V एंड C2 V। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके जो वैल्यू आई वो क्या कहलाई जाएगी? कॉमन पोटेंशियल। तो ये एक और फॉर्मूला नोट कर सकते हैं आप कॉमन पोटेंशियल का। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ। अगला पॉइंट ये, आपने एक चीज नोट की, पहले कैपेसिटर्स में पोटेंशियल V1 एंड V2 था, अब पोटेंशियल V एंड V है। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम आ गया V एंड V, इसका मतलब बोथ कैपेसिटर्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब कैपेसिटर्स कॉमन पोटेंशियल अटेन करते हैं, वो सीरीज में कभी भी कनेक्टेड नहीं रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे? इन पैरेलल आ जाएंगे। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ, ऐसा भी कई बार लिखा होता है कि अगर ये मान लो C1 V1 C2 V2 की बात करें, तो C1 V1 को लिख सकते हैं Q1, चार्ज पहले कैपेसिटर पे बिफोर शेयरिंग। C2 V2 को क्या लिख सकते हैं? Q2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? C1 प्लस C2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ऐसा भी फॉर्मूला बनेगा कॉमन पोटेंशियल का। कई बुक्स ये यूज करेंगे और कई बुक्स ये यूज करेंगे। कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? तो आप कॉमन पोटेंशियल निकालने जरा। सपोज करो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, मान लो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के ऊपर
इस कैपेसिटर के ऊपर C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है और पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में 10 वोल्ट है। एक और कैपेसिटर है, अनचार्ज्ड है, चार्ज ही नहीं है, और कैपेसिटी कितनी है? 5 माइक्रोफेरेड है। जब मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा आपस में तो फाइंड कॉमन पोटेंशियल, फाइंड कॉमन पोटेंशियल, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू C1 की जगह 10 माइक्रोफेरेड, V1 की जगह 10, C2 की जगह 5, V2 0। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, इसके ऊपर चार्ज ही नहीं था। डिवाइडेड बाय C1 कितना है? 10, C2 कितना है? 5। तो यहां से V ऑफ C विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 15 वोल्ट इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा? कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? कूलम में करेंगे ना सर चेंज? फिर से बोलो। चलिए माइक्रो से तो 10^-6 भी आएगा ना? नहीं आएगा, ये माइक्रो फेरेड में चल रहा है, ये भी माइक्रो फेरेड है, तो आपस में माइक्रो माइक्रो क्या हो जाएंगे? कैंसल, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के ऊपर ये चार्ज्ड कैपेसिटर है, इसमें C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है एंड V1 की वैल्यू 5 वोल्ट है। एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है और ये चार्ज्ड है, इसमें C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है, V2 की वैल्यू इसमें 3 वोल्ट है। फाइंड कॉमन पोटेंशियल जब मैं इन्हें आपस में कनेक्ट करूंगा। अरे कुछ गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हुई? मुझे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ करना चाहिए था, पर मेरी मर्जी में नहीं करता। ये तो कोई जरूरी नहीं है, चाहिए था तो चाहिए था, नहीं करता। वायर ही जोड़नी, मैंने जोड़ दी, मैंने उल्टे कैपेसिटर ज्वाइन कर दिया। अब बोलो पोटेंशियल तो तब भी कॉमन आएगा, आफ्टर ऑल अब शेयरिंग जो भी होगी तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, और तो क्या ही कर सकता है, शेयरिंग तो अभी भी होगी, तो फाइन कॉमन पोटेंशियल। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जब आप कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 करते हो ना आप, नॉर्मली चार्जेस को ऐड करते हो, Q1 प्लस Q2, इस केस में सब्ट्रैक्ट करोगे, इस केस में सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, इसमें यहां पर प्लस की जगह क्या यूज करोगे? माइनस यूज करोगे। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप माइनस यूज करोगे, और हाँ चार्ज में, बड़े चार्ज में से छोटे चार्ज को माइनस करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नेगेटिव पोटेंशियल निकाल दिया आपने, तो ऑब्वियसली बड़ा चार्ज जो है छोटे चार्ज को, या जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, C1 इंटू V1 मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 × 5 = 50 और 10 × 3 = 30। तो यहां पर होगा 10 × 5 − 10 × 3 / 10 + 10। ये जो आंसर आएगा आपका कॉमन पोटेंशियल होगा। अब ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में कि अगर दो प्लेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर तो सब कुछ ऐड होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर यहां पर क्या होगा, प्लस की जगह माइनस होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालना पड़ेगा? ठीक, ऑनलाइन वालों को ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा बता दो। मैंने ये बताया कि अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव उल्टे कनेक्टेड है, तो आप यहां पर माइनस यूज करेंगे, प्लस नहीं यूज करेंगे। बस अगर ये प्लस प्लस माइनस माइनस है फिर तो प्लस, और अगर ये उल्टी पोलैरिटीज हैं फिर यहाँ नेगेटिव। ठीक, ओके सर। ये प्लेट्स पे हमेशा चार्ज बना के देंगे हमें? हाँ नहीं, वो तो क्वेश्चन पूछने वाला आपको बताएगा ना कि पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। आप क्वेश्चन की टेंशन ना लो, क्वेश्चन अभी 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 बस इसके बाद क्वेश्चन ही करने हैं हमने, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। आज का पूरा लेक्चर कॉमन पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स पे ही है। आपको लगता नहीं आपका चार्ज गायब हो जाएगा? अच्छा इमेजिन करो,
ये 10 कूलम चार्ज है, ये माइनस 10 कूलम चार्ज है, आपने 10 कूलम को माइनस 10 के साथ जोड़ा और यहाँ नेट चार्ज क्या आएगा, जीरो, तो माइनस जीरो नहीं देगा आपको भाई, पूरी जितनी डेफिशिएंसी है उतना ही एक्सेस है। जब आप उन्हें ज्वाइन करोगे पॉजिटिव नेगेटिव तो चार्ज कैंसिल ही होंगे ना, माइनस ही होगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसे भी लॉजिकली देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव था, चार्ज ऐड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मैं समझा नहीं बात, इन दोनों को कनेक्ट किया, इधर से इनको कनेक्ट किया, हाँ ये हम एक तरफ से निकाल रहे हैं, दूसरे भी सेम ही है, एक तरफ से निकाल लेंगे कोई बात नहीं। और हाँ ऐसा भी, आप अगर मॉड नहीं लगाना चाहते, मॉड ना लगाएं, इसमें मैंने मॉड लगा दिया, आप ऐसा करें पॉजिटिव चार्ज बड़ा है नेगेटिव छोटा है, देखो कॉमन पोटेंशियल नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसा भी नहीं है कि पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं, तो आप इसमें रादर मॉड ना लगाएं, आप सिंपली क्या करें, अगर ये चार्ज पॉजिटिव बड़ा है तो सी वन वी वन बड़ा है, ये चार्ज अगर ये चार्ज बड़ा है तो सी टू वी टू बड़ा है, अगर ये चार्ज बड़ा है तो ओवरऑल नेगेटिव पोटेंशियल आएगा कॉमन, और अगर पॉजिटिव चार्ज बड़ा है तो फिर ओवरऑल पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। रादर मॉड नहीं लगाना चाहिए हमें, ब्रैकेट ही लगाना चाहिए, और फिर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि कौन सा चार्ज बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज बड़ा है या नेगेटिव चार्ज बड़ा है, उसके हिसाब से पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, कॉमन पोटेंशियल, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी, ये ना एनसीईआरटी में बहुत आता है, ये एनसीईआरटी में बहुत आता है, प्रूव करने को भी आता है वैसे ये। तो टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी। हम क्या कर रहे हैं, हम दो कैपेसिटर्स लेंगे, एक के ऊपर एक चार्ज कैपेसिटर लेंगे सी वन, दूसरा भी चार्ज कैपेसिटर लेंगे सी टू। ठीक है, अभी हम उन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे, जब हम उन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे तो उनके पास इंडिविजुअल एनर्जीज होंगी, जैसे पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी हाफ सी वन वी वन वी वन स्क्वायर, और दूसरे के पास क्या होगी, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। मान लो पहला कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बाय वी वन और दूसरे को चार्ज किया बाय वी टू, तो ये उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज हैं, तो ई वन आ गया। अब मैंने क्या किया, उन दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ, तो चार्ज क्या होगा, शेयर, एंड दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल में आते ही दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इन पैरेलल। पैरेलल जब आप दो चार्ज बॉडीज को टच करते हो ना, टच करते हो, स्पार्किंग होती है, होती होती है, बैटरी को, बैटरी चार्ज बैटरी को वायर लगा के देखो उसमें स्पार्किंग होगी। तो ऐसे केस में कुछ एनर्जी शेयरिंग में लॉस हो जाती है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, और ये एक्सप्रेशन आपको बताता है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो शेयरिंग के अंदर जो एनर्जी लॉस है, शेयरिंग का मतलब जो दो अलग अलग कैपेसिटर्स थे और अब मैंने क्या किया, उन्हें कनेक्ट किया एंड दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल में होते ही उनकी नई एनर्जी क्या हुई, दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में, तो यहां पर क्या आ गया, सीपी। सीपी क्या होगा, सी वन प्लस सी टू, एंड दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, वी वी कितना होगा, सी वन वी वन सी टू वी टू सी वन प्लस सी टू। अब दोनों कॉम्बिनेशन आफ्टर कनेक्टिंग नई एनर्जी क्या देंगे, वी यहां पुट कर लें, सीपी को यहां पुट कर लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैंने यहां पर सीपी की जगह क्या पुट कर लिया, सीपी की जगह पुट कर लिया सी वन प्लस सी टू और वी की जगह ये पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो जब दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड नहीं थे तो ये एनर्जी थी, जब वो कनेक्टेड हो गए तो ये एनर्जी आ गई। अब क्योंकि मैं लॉस की बात कर रहा हूं तो मेरे को इस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस करना चाहिए, तो लॉस का मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम है। तो अगर पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम है और अगर मैं इन्हें माइनस करूं तो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक, अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं, मैं फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को भी माइनस कर सकता हूं, कैसे भी करो, पर आपको यह समझ में आना चाहिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लॉस इन एनर्जी। तो ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी है, ये मेरे पास फाइनल एनर्जी है, तो मैंने क्या किया, लॉस निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दिया, माइनस। क्लियर है यहां तक?
तो E2 ये पूरे का पूरा क्या है E2 और ये पूरे का पूरा क्या है E1, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए नेगेटिव। लेकिन जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था ना तो मैंने गलती से E2 की जगह क्या पुट कर दिया E1, ये देखो E2 की जगह पुट करना था E2 पर मैंने क्या पुट कर दिया E1, और फिर E1 की जगह क्या पुट कर दिया E2। अब मेरा जो आंसर माइनस करने पे आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, अब वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही करूंगा और एंड में लिख दूंगा कि जो भी डिफरेंस आएगा दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में कि ये कौन सी एनर्जी है, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब उल्टा करना चाहो उल्टा भी कर सकते हो, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दिया, इट्स ओके। पर मैं लिख दूंगा एंड में ये लॉस ऑफ एनर्जी है, क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई यहां पर, ये क्या है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कैंसिल होके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिर्फ C1 प्लस C2। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास ये पहली एनर्जी आ गई 2 LCM है, ये आपके पास नई एनर्जी आ गई, ये क्या हो गया C1 प्लस C2 और ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कैंसिल होके C1 प्लस C2। इन्हें माइनस करते हैं, LCM लो, 2 × C1 प्लस C2 LCM है, LCM में C1 प्लस C2 इससे और C1 प्लस C2 इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज। इस C1 V1 स्क्वायर को C1 से मल्टीप्लाई किया, देखो C1 स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके C2 स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, नेगेटिव साइन है, सब टर्म्स नेगेटिव। मैं कहने का मतलब इन्हें आपने ओपन कर लिया पूरा, जब आपने इन्हें ओपन किया तो इस ओपन करते ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली टर्म आपस में क्या हो गई कैंसल। इन चार टर्म्स में से या इन तीन टर्म में से C1 C2 सब में कॉमन है, C1 C2 क्या निकाल लिया कॉमन, तो कॉमन निकालने के बाद ये टर्म आ गई। तो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको प्लीज फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड करो, लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो या तो फिर आपको इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है, फाइनल निकालनी पड़ती है, कॉमन पोटेंशियल निकालने पड़ते हैं, उनको माइनस करना पड़ता है, लंबा क्वेश्चन हो जाता है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है आप सीधा लॉस ऑफ एनर्जी में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सीधा लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, ओके। नेक्स्ट अगर हम अपनी शीट पे चले वापस, ट्वेंटी नाइन नंबर शीट हो गई थी शायद, हाँ ये तो हो गई थी, इस तो सारा हो गया था 30। इस शीट में हमने ये प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम कर ली थी सारी, ये तो शीट कवर सारी खत्म है क्या? अच्छा कवर ही है ये, ओके ओके। ये शीट नंबर 30 हमने कर ली थी, शीट नंबर 31, ओके ओके, शीट नंबर 31, ओके यहां से करेंगे। देखो
इस शीट में पहली प्रॉब्लम हमने कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, ये मैंने बताया था आपको, और ये कुछ एक शॉर्टकट्स बुक्स में लिखे होते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बता दूं इसमें यूज होगा नहीं होगा वो चलो बाद में देखेंगे। वो क्या कि अगर आपके पास कोई भी एक प्लेट ऑफ मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और आपने इन कैपेसिटर की प्लेट्स में एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया जिसकी थिकनेस क्या है टी, तो इसकी थिकनेस क्या है टी, राइट। तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हमने किया था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाय के, याद है हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू की थी। आप इसे अगर ओपन करते हो तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो आपके पास ये आंसर आता है। एक ही बात है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, कोई डाउट इसमें, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास कैपेसिटेंस की, ठीक। आगे अब सपोज करो, अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, हमने अभी एक ही प्लेट डाली थी, ये कहता है कि मैं मल्टीपल प्लेट्स डालूंगा, पहली प्लेट K1, सेकंड प्लेट K2, थर्ड प्लेट विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, ऐसे करते 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 कितनी Kn, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसकी थिकनेस Tn, ये भी क्लियर है यहां तक। तो मैंने इस तरीके से मान लो पूरा सिस्टम बनाया, तो मेरी कैपेसिटेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए, इस क्योंकि जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो इसमें एक ही प्लेट थी ऑफ थिकनेस टी, इसमें एन प्लेट्स हैं, तो आपका फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, डी माइनस टी को क्या लिखेंगे, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन, तो टी की जगह टी वन टी टू टी थ्री अप टू टी एन। यहां पर यह फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या होगा, टी वन के वन टी टू के टू टी थ्री के थ्री अप टू टी एन के एन। तो अगर मान लो आज की बात किसी क्वेश्चन में दो स्लैब्स हैं, तीन स्लैब्स हैं, चार स्लैब्स हैं, तो उस हिसाब से इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, पर हम एक ही स्लैब में काम करते हैं तो एक स्लैब का ये फॉर्मूला, दो स्लैब में ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, तीन में एक्सटेंड, एन में एक्सटेंड हो जाएगा। तो कैसे फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, ठीक है यहां तक, तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है ये, यस सर, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है, ये आपके पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, इसके अंदर पहली स्लैब ये रही टी वन, दूसरी स्लैब ये रही टी टू, तीसरी स्लैब के थ्री, और बिल्कुल एंड वाली स्लैब के एन, और ये टी एन, पूरी भर दी कैपेसिटर की प्लेट के साथ, कोई स्पेसिंग नहीं छोड़ी, पिछले केस में स्पेस था, इस केस में स्पेस नहीं है, बिल्कुल जोड़ दिया और पूरे कैपेसिटर की प्लेट में जोड़ के रख दिया। इसका मतलब डी किसके इक्वल आएगा, इसका मतलब डी किसके इक्वल है, टी वन टी टू टी थ्री अप टू टी एन, क्योंकि टोटल स्लैब की जो थिकनेस है टी वन टी टू टी थ्री अप टू टी एन किसके इक्वल आ जाएगा, डी के इक्वल आएगा। तो आप इस फॉर्मूले में ये वाली और ये वाली टर्म को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला बच जाएगा, दैट्स इट। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो मॉडिफाई किया रिजल्ट को और कुछ भी नहीं किया, तो हमने मल्टीपल प्लेट्स अगर डाल दी तो कैसे फॉर्मूले को यूज करना है, बस मैंने आपको ये बताया, ये हमने कर लिया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमने कर लिया, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, ये हमने सारा कर लिया था लास्ट टाइम, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमने सारा किया था। इसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं किया था, इस क्वेश्चन को देखें एक बार, ओके okay, देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर के अंदर हमने डायलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया, ये डाल दिया डायलेक्ट्रिक। अब वो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटर की अगर जो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें डायलेक्ट्रिक नहीं है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर
ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पर क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, डायलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, तो आपका फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम, क्योंकि बीच में हमने क्या डाल दिया, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब एयर तो रहा नहीं, अब एयर कैपेसिटर नहीं है, अगर एयर होती तो एप्सिलॉन नॉट है, डायलेक्ट्रिक है तो फिर एप्सिलॉन एम हो जाएगा। अब मुझे यह पता है कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता था, एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन मीडियम की जगह के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। वो ये कह रहा है कि इस कैपेसिटर के बीच में ई की वैल्यू आपको दे रहा है वो, तो ई वो आपको दे रहा है, आपको के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, आपसे सिग्मा पूछ रहा है कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है यहां तक। ये क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कितने कैपेसिटर्स हैं, दो कैपेसिटर्स हैं और बैटरी जो है एक बैटरी है, ये अरेंजमेंट है। सबसे पहले आपने इस टर्मिनल को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया सच दैट ये जो पॉइंट है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बना बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ किसका कनेक्शन बना, टू का बना, क्लियर है। तो वी वोल्ट की बैटरी है और 2 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटेंस है, ज्वाइन कर दिया। अगर ये वी है तो इस कैपेसिटर के ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली कितना जाएगा, V आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, अगर ये V है तो ये भी क्या जाएगा, V आ गया, क्लियर है यहां तक। मैंने कहा मैंने इसको इसका कनेक्ट किया, ये V है तो ये इसको V दे देगा, इसको चार्ज कर गया बस, तो इसके ऊपर भी सेम पोटेंशियल आ गया V, तो ये चार्ज हो गया, फुली चार्ज हो गया, इसमें एनर्जी आ गई, एनर्जी कितनी आई, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो इसमें जो एनर्जी आएगी इस कैपेसिटर की, हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई इस कैपेसिटर की, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन वो अब ऐसे स्टार्ट करता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ये है कि उसने इसको इस कनेक्शन को कर दिया ब्रेक, ये कनेक्शन उसने कर दिया ब्रेक और इसको यहां से हटा के यहां ज्वाइन कर दिया, तो हमने क्या किया, इसमें इसको हटा दिया एंड इसको लगा दिया, तो ये तो हट गया। अब आपका ये सर्किट तैयार हो गया बैटरी, यानी कि अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्शन वहां लगाने का मतलब बैटरी गई। अब ये दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड है, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब जब ये दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये कैपेसिटर क्या करेगा, भाई देख मेरे ऊपर पोटेंशियल कितना है, V, और ये कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड, क्वेश्चन में गिवन है, ये कैपेसिटर तो खाली ऐसे ही पड़ा था, इसको कौन पूछ रहा था, कुछ भी नहीं, ये तो बैटरी से कनेक्टेड भी नहीं था, तो ये अनचार्ज था, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, जीरो। तो जब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, चार्ज शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, कब तक, जब तक बोथ अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। अब थोड़ी देर में इसका पोटेंशियल V, इसका जीरो है, थोड़ी देर में दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल होने के बाद, चलो निकाल लें कॉमन पोटेंशियल पहले, ये मान लो V1 है, V1 V है, ये मान लो V2 है, जीरो है, ये कितना है, C1 है, ये कितना है, C2 है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो कॉमन पोटेंशियल आएगा C1 की जगह 2, V1 की जगह V, C2 की जगह 8, V2 की जगह 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8, ओके सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2V बाय 10, V बाय 5, क्या ये पॉइंट क्लियर है, दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। लिख लो, मैं किसी और तरीके से सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जो बुकलेट में सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसको फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज ये साइड पर लिख लेना अपने बुकलेट में। मैंने कहा इसने ये पहले इसके साथ कनेक्टेड था, इसके बाद वी पोटेंशियल था, फिर मैंने इस कनेक्शन को तोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो इसके ऊपर वी है, इसके ऊपर जीरो है, चार्ज शेयर होगा,
दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल वी वन कितना है, वी इसका जीरो था तो पुट कर दिया सी वन वी वन सी टू वी टू सी वन प्लस सी टू, तो सॉल्व करके वी बाई फाइव आ गया। तो थोड़ी देर के बाद अब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी बाई फाइव, इसका भी कितना हो जाएगा वी बाई फाइव, ऐसे बता रहा हूँ कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक एक बार नोट कर लो इसके अंदर, सो दैट किसी और तरीके से कर रहा हूँ, क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है ये? गई है? ओके, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब सिचुएशन क्या होगी ध्यान से देखो। अब सिचुएशन ये हो गई कि अगर ये कैपेसिटर की बात करें, अब ध्यान आगे, ये कैपेसिटर के पास इनिशियली पोटेंशियल कितना था V, तो इनिशियली इसके पास एनर्जी कितनी थी हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, क्लियर है? तो इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी इतनी थी। अब क्या हुआ फाइनली इस कैपेसिटर की ही बात करता हूं, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है लेकिन पोटेंशियल फाइनल कितना हो गया वी बाय फाइव, तो ये क्या आ गई इसकी फाइनल एनर्जी। तो इनिशियली ये एनर्जी थी, फाइनली ये एनर्जी है, यानी कि इसने अपना चार्ज इसको दिया और अपनी एनर्जी को क्या किया लूज कर दिया। क्वेश्चन है कि इस कैपेसिटर ने कितने परसेंट एनर्जी का लॉस उठाया, लॉस तो करना पड़ा इसे, तो कितना परसेंट करना पड़ा, तो क्या करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी सबको पता है, फाइनल एनर्जी इसकी क्या हो गई कम हो गई, क्योंकि इनिशियल ज्यादा थी फाइनल इससे कम हुई, इसने कुछ चार्ज सेकेंड वाले को दे दिया, डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। एक काम करो इनिशियल और फाइनल वैल्यू को यहां पुट करो और सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है चेक करो, 80% आ रहा है, तो इसका 80% एनर्जी का हो गया लॉस हो गया, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आंसर कितना परसेंट आ रहा है 96 आ रहा है 80 आ रहा है 96 आ रहा है। इधर सॉल्यूशन को देखना नहीं ना, हाँ 25 होगा ठीक है। अच्छा ऑनलाइन वालों को क्या आ रहा है 96 आ रहा है। यस सर, हाफ सी वी स्क्वायर वी स्क्वायर हाफ इनटू वी स्क्वायर बाय ओ ठीक है 96 आया, गलत है ये करेक्शन है ना, वी स्क्वायर बाय 5 का सॉल्व कर दिया 25 आना था यहाँ पे, मेरे सॉल्यूशन में गलती है, आपका सही है, तो 96% जो भी आ रहा है सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर में 25 आना था तो वहाँ कैलकुलेशन गलत हो गई थोड़ी सी, ठीक है आप अपना सही रखो तो सॉल्यूशन को मत देखो प्लीज, क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है,
बात हो रही है कि ये जो ये कैपेसिटर है इसका कितना लॉस हुआ, इन दोनों का तो लॉस ही नहीं हुआ ना, एनर्जी इसके पास भी, इसके पास भी है, फाइनल भी इसके पास भी, इसके पास तो लॉस कहाँ हुआ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो पहला कैपेसिटर है उसका लॉस पूछ रहा हूं मैं आपसे कितना है। तो मैंने आपसे नया कुछ, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जब आप वन से टू पोजीशन पे जाते हो तो पहले कैपेसिटर का लॉस क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले कैपेसिटर की हमने इनिशियल एनर्जी निकाली, पहले कैपेसिटर की हमने फाइनल एनर्जी निकाली, और फिर हमने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये मैंने ऐसे किया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फिर से अच्छा, मैंने क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, मैं अपने क्वेश्चन में देखो मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं ध्यान से समझना। क्वेश्चन दो बनते हैं, पहला क्वेश्चन कि इससे पूछा जा रहा है कैपेसिटर से कि भाई तेरा क्या हुआ, तेरे पास कितना लॉस हुआ। तो कहते हैं देख मेरे पास ये एनर्जी इनिशियल जिसमें मेरा पोटेंशियल पहले वी था, मेरे पास नया पोटेंशियल वी बाय फाइव, तो मेरा लॉस इतना। तो ये लॉस किसका आया, पहले कैपेसिटर का आया, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा ये मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, मैं तो अपना क्वेश्चन बना रहा हूं इसे, क्योंकि मेरे को मालूम है ये तो कहीं ना कहीं कुछ गलत आ रहा है। तो मैंने अपना क्वेश्चन बनाया कि पहले कैपेसिटर में कितना परसेंट लॉस आया, तो मैंने सारी कैलकुलेशन पहले कैपेसिटर की कर दी, डन, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि जब ये ऐसे कनेक्टेड था, इसके ऊपर पोटेंशियल क्या था, वी था, इसके ऊपर क्या था, जीरो था, तो इन दोनों की टोटल एनर्जी, अब मैं दोनों की इकट्ठी एनर्जी लेता हूं, अब मैं एक कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तो इसकी एनर्जी कितनी, हाफ इंटू टू इंटू वी स्क्वायर, और इसकी कितनी, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ओके। जब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो ये वी बाय फाइव और ये भी वी बाय फाइव। अब दोनों कैपेसिटर्स की फाइनल एनर्जी कितनी, हाफ इनटू, क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, दे हैव अटेन्ड अ कॉमन पोटेंशियल, तो पैरेलल होगा, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10, इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। अब दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी इनिशियल, दोनों कैपेसिटर की एनर्जी फाइनल, अब कैलकुलेट करना परसेंटेज लॉस कितना आ रहा है सिस्टम में, अब कैलकुलेट करना कितने परसेंट है, यू आई माइनस यू एफ बाय यू आई इंटू 100, कितने परसेंट आ रहे, 80% आ रहे। तो यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला वो पूछ सकता है कि पहले कैपेसिटर का क्या हुआ, फिर वो पूछ सकता है कि दोनों कैपेसिटर का लॉस क्या हुआ। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने दोनों क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करके दिखाए कि अगर पहले क्वेश्चन पहले कैपेसिटर पे आएगा तो 96% है, और दोनों कैपेसिटर्स का जब क्योंकि कॉमन पोटेंशियल अटेन करते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी आता है। आप चाहते तो लॉस ऑफ एनर्जी का वो डेरिवेशन जो की थी वो भी लगा सकते थे सीधा, उससे भी सीधा आंसर आ सकता था, पर मेरे को वो फॉर्मूला याद नहीं है सच बताऊं। मैं भी ज्यादातर ऐसे यूज करता हूं, तो मैं पहले इनिशियल निकालता हूं, फाइनल निकालता हूं, दोनों को माइनस करता हूं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? अब यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो लॉस किसका पूछ रहा है, एक का पूछ रहा है या दोनों का पूछ रहा है। एक का पूछ रहा है तो एक का निकाल देंगे, दोनों का पूछ रहा है दोनों का निकाल देंगे, पर कॉमन पोटेंशियल हर हालत में निकालना ही पड़ेगा। ठीक, ओके। तो मैंने शीट में लिखा हुआ है कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, पर मैंने प्रूफ के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रूफ के लिए रेफर करनी पड़ेगी बुकलेट, मैंने बता दिया बुकलेट में से। फिर मैंने क्या बताया, एक्सप्रेशन फॉर लॉस एनर्जी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो मैंने बता दिया था, प्रूफ हमने बुकलेट में कर लिया, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर बाउंड चार्जेस या इंड्यूस्ड चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक। हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर आपके पास ये एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है और हम अगर इसमें कंडक्टिंग स्लैब को डालें, तो वो कंडक्टिंग स्लैब में अगर ये क्यू है तो ये चार्ज कितना जाएगा, माइनस क्यू, और ये कितना आएगा, प्लस क्यू, ये कितना आएगा, माइनस क्यू।
क्योंकि कंडक्टर हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन अगर ये डाइलेक्ट्रिक है तो आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर ये क्यू तो ये कितना माइनस क्यू आए या क्यू पी या कुछ भी, यानी कि क्यू से तो वैल्यू कम ही आएगी। डायलैक्ट्रिक में चार्ज कम आता है, मैंने बताया था इंडक्शन में चार्ज बराबर आता है। तो अगर ये क्यू तो माइनस क्यू, तो अगर ये क्यू तो ये माइनस क्यू आए, ये प्लस क्यू आए और ये माइनस क्यू, तो ये जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं ये किस रीजन से होते हैं, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, मैंने बताया था पोलराइजेशन होती है। क्लियर है यहां तक? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो आपको बताना है कि ये अगर डायलैक्ट्रिक है तो ये चार्ज किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये चार्ज किसके इक्वल होगा? तो पॉइंट नंबर वन, इसको सॉल्व करने के लिए फिर यानी कि क्या रेफर करनी है हमें, बुकलेट। और बुकलेट रेफर करने का मतलब समझते हो, ये टॉपिक एनसीईआरटी का है, बताने की जरूरत ही नहीं है, बुकलेट में तो एनसीईआरटी का है। तो हाँ, पूरे साल की बुकलेट है ये, पूरे साल की बना दी मैंने। ठीक है, तो साथ लेके ही आनी है ये, हर रोज साथ ही रखनी है क्योंकि रेफरेंस चलता रहेगा इसका। तो ये रहा, तो हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर व्हाट बाउंड चार्ज या इंड्यूस्ड चार्ज इन डायलेक्ट। तो वही रूल, क्यू माइनस क्यू क्यू आई, सेम रूल है। हमने एक पॉइंट किया था, हमने क्या पॉइंट किया था, हमने ये किया था कि जो कैपेसिटर होता है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, ई नॉट, और अंदर की पोलराइजेशन कितना फील्ड लगाती है, ई पी। तो नेट फील्ड इसके इनसाइड क्या आता है, ई नॉट माइनस ई पी, याद है? और मैंने ये बताया था कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ई नॉट बाय ई। ई नॉट का मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू या नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, याद है? तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन की थी हमने। अब मुझे एक बात बताओ, जो नेट ई है वो किसके इक्वल है, ई नॉट माइनस ई पी। और ई को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई विल बी इक्वल टू व्हाट, ई नॉट डिवाइडेड बाय के। तो E की जगह क्या पुट कर दिया, E नॉट बाय K। तो ये मैंने E नॉट बाय K पुट कर दिया, E नॉट बाय K पुट कर दिया। तो एक काम करते हैं, E नॉट वाली टर्म एक तरफ, EP वाली टर्म एक तरफ, E नॉट वाली टर्म एक तरफ। तो E नॉट क्या आ गया, इसमें कॉमन आ गया। तो E नॉट कॉमन आ गया, E नॉट क्या होता है, E नॉट का मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और EP का मतलब है डायलेक्ट्रिक का सिग्मा। अब देखो ना, इसके अंदर प्लेट का सिग्मा तो सिग्मा है और डायलेक्ट्रिक का सिग्मा सिग्मा P है। क्यों? क्योंकि डायलेक्ट्रिक का चार्ज डिफरेंट है, प्लेट का चार्ज डिफरेंट है। तो जब मैं यूज करूंगा E नॉट तो आप प्लेट का सिग्मा यूज करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब मैं यूज करूंगा EP तो मैं यूज करूंगा सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? राइट, तो ये समझ डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, वो सिग्मा डिफरेंट है क्योंकि चार्ज डिफरेंट है। और चार्ज होगा क्या, सिग्मा प्लेट का सिग्मा है, प्लेट पे चार्ज क्या है, क्यू, क्यू बाय एरिया। और सिग्मा पी किसका सिग्मा है, डायलेक्ट्रिक का, उसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू आई बाय ए, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आंसर एरिया सेम है प्लेट का, एरिया तो सेम ही होगा ना, जो ये एरिया और जो ये एरिया है वो सेम होगा प्लेट का। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आप चेक कर सकते हो कि अभी जो हम एक्सप्रेशन कर रहे थे उसमें ये रहा, ये फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। मुझे एक चीज का आंसर दो कि अगर ये डायलेक्ट्रिक ना होता, अगर ये कंडक्टिंग प्लेट होती तो बोलो के क्या होता, इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी क्या है, तो आपका चार्ज एग्जैक्टली क्या जाता, क्यू। इसका मतलब फॉर्मूला सही है कि डायलेक्ट्रिक में चार्ज बराबर नहीं आता, कंडक्टिंग स्लैब में के इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वन बाय इन्फिनिटी जीरो करके आंसर क्यू आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो फॉर्मूला याद रखना है, इंड्यूस या बाउंड चार्जेस क्या होते हैं डायलेक्ट्रिक के ऊपर। ऑनलाइन वालों को क्लियर है?
यस सर, ठीक है, यस सर, ये हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं या अभी आज नहीं करेंगे हम। देखो पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार डिवीजन इन कैपेसिटर्स, तो हम इसमें एक शॉर्टकट बनाने वाले हैं आप, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? अगर सपोज करो आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर कितना है 2C और एक कितना है C, और ये किस में कनेक्टेड है सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है V। अब सीरीज के अंदर V की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसमें कितनी है V1, इसमें कितनी है V2, क्या ये पॉइंट क्लियर है V1 V2? ठीक है यहां तक? अब एक बात बताओ क्यों से, तो चार्ज की वैल्यू इसमें क्या होगी 2C इंटू V1, और इसमें क्या होगी C इंटू V2। तो अगर हम इन्हें इक्वेट कर दें, 2C इंटू V1 इज इक्वल टू C इंटू V2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा V1 बाय V2, तो V1 बाय V2 की रेशियो क्या आ गई 1:2। क्लियर है यहां तक? फिर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो वी है, और आपका यहां पर V1 V2 है, तो फाइंड V1 V2 इन टर्म्स ऑफ V, क्योंकि V1:V2 हाफ है, आपको V को डिवाइड करना है, तो V1 का हिस्सा क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1+2 × V, और इसका हिस्सा क्या बनेगा V2 का 2 डिवाइडेड बाय 1+2 × V। तो यहां से आंसर आएगा। आप कहेंगे शॉर्टकट कहां है? शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास आज के बाद कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है, और ये क्या है V1, ये क्या है V2, क्योंकि आपको पता है चार्ज दोनों में सेम है, 2C × V1 इज इक्वल टू C × V2, तो यहां से V1 और V2 की रेशियो क्या आ जाएगी 1:2। ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ये है कि जो भी सीरीज में कैपेसिटेंस की रेशियो होगी, इसकी कैपेसिटेंस की रेशियो क्या है 2:1, तो V की रेशियो उल्टी हो जाएगी 1:2। तो जैसे कि 2:1 है ये 1:2, तो ये आपको चार्ज इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में है और कैपेसिटेंस की रेशियो मान लो 2:1 है, तो उनकी V की रेशियो उल्टी हो जाएगी 1:2 हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो जैसे ये रहा क्वेश्चन, अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर 3C एक 4C, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, आपको बताना है V1 V2 कितना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले इसकी V1 V2 की रेशियो निकालेंगे, तो V1:V2 विल बी इक्वल टू व्हाट 3:4, कैपेसिटेंस की रेशियो है, V की रेशियो क्या हो जाएगी 4:3। तो क्या ये स्टेप क्लियर, एक लाइन में आ गया 4:3, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो V1 का हिस्सा क्या बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 4+3 × 10, और V2 का क्या बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 4+3 × 10 आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि कैसे एक लाइन में शॉर्टकट लगाने आंसर आएगा? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। फिर देख लो, ये देखो तीन कैपेसिटर है सीरीज में, ये देखो कैपेसिटेंस की रेशियो क्या है 1:2:7, तो V की रेशियो उल्टी हो जाएगी 7:2:1। क्या स्टेप क्लियर है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 है, तो पहला हिस्सा क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय 7+2+1 × 10, सेकंड क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 7+2+1 × 10, तीसरा क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 7+2+1 × 10 आंसर। तो एक लाइन में आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर सीरीज में है, मतलब ये उस चीज का शॉर्टकट है जो मैंने पहला लेक्चर में करवाया था, चार डायग्राम बनाओ फिर चार्ज को वापस लेके आओ, ये फिर एक लाइन में आंसर देगा, चार्ज फटाफट आएगा। क्लियर है यहां तक? सेम शॉर्टकट पैरेलल के लिए भी है,
पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वी। तो यहां पर कैपेसिटेंस कितनी है? 3C, 2C, C। तो आपको ये पता है कि इसमें चार्ज क्या होगा? C इंटू वी। इसमें क्या होगा? 2C इंटू वी। इसमें क्या होगा? 3C इंटू वी। तो चार्ज की रेशियो डिवाइड करेंगे तो 1:2:3। इसमें कोई चक्कर नहीं है क्योंकि वी सेम है, चार्ज सी के प्रोपोर्शनल है, तो सीधा जो भी सी की रेशियो होगी वही इसमें चार्ज की रेशियो होगी। तो इसमें क्या होगा? 1:2:3। तो चार्ज की रेशियो क्या होगी? 1:2:3। तो आप चेक कर सकते हो जो चार्ज की रेशियो वो कैपेसिटेंस की रेशियो सेम है। तो अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है, जैसे अगर मान लो इन तीनों को आपने पैरल में लगाया, पैरल में लगा के 6C आ गया, तो चार्ज टोटल कितना है? Q = 6C × V। तो टोटल चार्ज को आपको डिवाइड करना है तीन कैपेसिटर्स में, और रेशियो आपको चार्ज की पता है 1:2:3। तो पहले हिस्से का चार्ज क्या आएगा? Q1 डिवाइडेड बाय 1+2+3 इंटू टोटल चार्ज 6C × V। ऐसे दूसरे का हिस्सा क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1+2+3 इंटू टोटल चार्ज, ये रहा। ऐसे तीसरे का आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1+2+3 इंटू टोटल चार्ज आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये आपके पास टोटल आंसर आएगा। तो अपने अपने शॉर्टकट है, ये ऐसा नहीं है कि बुक में लिखा तो मैंने लिख दिया। कई लोग शॉर्टकट यूज करना पसंद करते हैं, तो बुक्स भी काफी यूज करती हैं, तो इसलिए मैंने भी इसमें लिख दिया ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा जब सीरीज और पैरेलल के चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन और वी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे। लगा लो, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, ये अनचार्ज कैपेसिटर है। जब मैं इन्हें कनेक्ट कर दूंगा, स्विच ऑन कर दूंगा, ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो कितने लोग एग्री करते हैं दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल? यस कि नो? लिखा नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? दे विल नॉट अटेन अ कॉमन पोटेंशियल इस केस में। भाई ओके, कोई और एक्सप्लेनेशन? कैपेसिटर को जोड़ा कहां? जब आपने कैपेसिटर्स को कॉमन पोटेंशियल के लिए जोड़ना है तो ये थोड़ी ना जोड़ना है। इस प्लेट को कौन जोड़ेगा? ये तो खाली रह गई, एक प्लेट को जोड़ दिया, दूसरी सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, शेयरिंग कहां से होगी? तो कॉमन पोटेंशियल कब आता है? जब पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद नेगेटिव, या पॉजिटिव विद नेगेटिव, दोनों प्लेट्स को जोड़ना पड़ता है। मतलब कैपेसिटर की दो चार प्लेट्स हैं, दो दो करके जोड़ना पड़ता है। ये तो ओपन रह गई, जब ये ओपन ही रह गई तो ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच के रखेगा। अदरवाइज अगर ये दोनों प्लेट से कनेक्टेड होता तो कहीं ना कहीं से निकल जाना था इसने चार्ज ने, इसमें निकल ही नहीं पाएगा, तो ये अनचार्ज रह जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इंडक्शन तो सामने वाली प्लेट पे होती है, हो तो गई, प्लस माइनस कनेक्टेड नहीं था, सारा नेगेटिव तो पहले ही खींच लिया, फिर उसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऐसे है। मतलब मैं ये क्वेश्चन पे ये फोकस कर रहा हूं कि कॉमन पोटेंशियल होगा नहीं इसमें, ठीक? हाँ, जुड़ा होगा तो फिर कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा इस पे, प्रॉपर जोड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक? हाँ, पीछे से जोड़ेंगे तब आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ठीक? इस प्लेट ऑफ कैपेसिटर को हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया सच दैट इसका एरिया कितना है? a/3, और इसका एरिया कितना है? 2a/3। कोई पहले मुझे ये बताएगा ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में, हमने लास्ट लेक्चर इसी के ऊपर लगाया, तो हमें पता लगता है ये पैरेलल में है, ये तो क्लियर है। तो दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है। ऊपर वाले कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया K, नीचे एयर है, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। मैंने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जब मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसकी चार्जिंग भी हो गई। तो आपको ये बताना है कि जब मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया
इस कैपेसिटर पे चार्ज आया Q1, इसके ऊपर आया Q2, डिफरेंट चार्ज आया क्योंकि दो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चार्ज सेम कैसे आता। पहला क्वेश्चन, चार्ज की रेशियो निकालनी है क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया E1 और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो गया E2। आपको रेशियो निकालना है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो क्या होगी जब मैंने बैटरी के साथ इन्हें कनेक्ट किया। एक और आंसर दो। तीसरा आपको निकालना है कि इस डायलैक्ट्रिक वाले की कैपेसिटेंस है C1 और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है C, तो C:C1 की रेशियो भी निकालनी है। तीन क्वेश्चन है ये, ठीक है यहां तक। तो आप क्या करोगे, पहला मुझे ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया, कैपेसिटर डिवाइड कर दिया, डायलैक्ट्रिक डाल दिया नहीं डाला, बैटरी से कनेक्ट किया चार्जिंग हो गई, चार्ज की रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो, कैपेसिटेंस की रेशियो, ये तीन क्वेश्चंस हैं। जो आपको ये बात समझ में आती है कि बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है प्लेट्स में, वी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, क्लियर है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना है, डी, वो तो मैंने चेंज ही नहीं किया दोनों में। अब मुझे ये समझ में आता है कि वी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डी, यानी कि वी बाय डी। अब ना तो दोनों कैपेसिटर में वी चेंज हो रहा है, ना ऊपर और नीचे वाले कैपेसिटर में डी चेंज हो रहा है, तो ना वी चेंज हो रहा है ना डी चेंज हो रहा है, तो ई की वैल्यू दोनों में विल रिमेन सेम, इसलिए E1 और E2 की रेशियो क्या आएगी, 1:1। तो पहला आंसर क्लियर है, जब V नहीं चेंज हो रहा, D नहीं चेंज हो रहा, तो फिर E भी चेंज नहीं हो रहा। क्या पॉइंट क्लियर है, कैसे सोचना है, ठीक है यहां तक, ओके। दूसरा, कैपेसिटेंस की अगर बात करते हैं, लास्ट टाइम किया था, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट A/3 बाई डी, और इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट 2A/3 डिवाइडेड बाई डी, हमने लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो ये मैंने कैपेसिटेंस निकाली ऊपर वाले की और ये नीचे वाले की, बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल। पैरेलल में C1 + C2 ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे C1 पता है, मुझे C पता है, मुझे निकालना है C/C1, तो मुझे C भी पता है, C1 भी पता है, डिवाइड करके क्या आ जाएगा, C/C1, कोई डाउट इसमें, C/C1 की रेशियो भी आ गई। एक और आंसर आ गया। नेक्स्ट, चार्ज, फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस C1 × V, सेकंड पे क्या होगा C2 × V, वी दोनों में एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो यानी कि जो चार्ज की रेशियो है वो सी की रेशियो सेम हो जाएगी। अब C1 C2 तो निकाल ही चुके हो आप, तो यहां से चार्ज की रेशियो भी यहीं से आ जाएगी। तो क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है आपने, पॉइंट समझ में आ रहा है, वी सेम है और ई सेम है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर। लंबा नहीं हो जाएगा, सी पता है, सिग्मा में एक में सिग्मा एम लोगे, एक में सिग्मा नॉट लोगे, फिर सिग्मा एम को के साथ एडजस्ट करोगे, ये ज्यादा बेटर नहीं है। पैरेलल में क्यू और सी तो प्रोपोर्शन में होता है, सी पता है तो क्यू की रेशियो आगे कर सकते हैं, ठीक, इसे बाद में करेंगे, इसे इसे पढ़ना प्लीज, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना प्लीज।
क्वेश्चन है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है आर है, चार्ज कितना है क्यू है, लाइज इनसाइड अनचार्ज शेल। तो एक स्फेयर एक शेल के अंदर पड़ा हुआ है, स्फेयर के ऊपर चार्ज पता है आपको कितना क्यू है, अब और जो अंदर जो शेल है उसका रेडियस डबल है टू आर है। इफ दे आर ज्वाइन बाय मेटल वायर तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस क्या होगी, ठीक हीट क्यों प्रोड्यूस होती है जब चार्जिंग होती है कोई बॉडी तो गर्म हो जाती है बॉडी, बैटरीज भी गर्म हो जाती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में आपने पता ही है, तो जब भी चार्ज निकलेगा या आएगा तो हीट तो प्रोड्यूस होनी ही है। सबसे पहले चार्ज है किसके पास, अंदर वाले स्फीयर के पास कि बाहर वाले स्फीयर के पास, अंदर वाले स्फीयर के पास। उसकी कैपेसिटी कितनी है 4πε0R, आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो, और बाहर वाले की कैपेसिटी कितनी है 4πε0 2R, यहां तक क्लियर है। तो एक तरीके से दो कैपेसिटर्स हैं, एक अंदर वाला कैपेसिटर और एक बाहर वाला कैपेसिटर है, क्लियर है यहां पर। तो अब आपने चार्ज पहले किसे दिया था, अंदर वाले स्फीयर पे, तो सारी एनर्जी किसके पास थी अंदर वाले स्फीयर के पास, बाहर वाले के पास चार्ज था ही नहीं तो अंदर वाले स्फीयर के पास एनर्जी क्या थी क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी है 4πε0R। तो ये इनिशियल एनर्जी आ गई क्योंकि इनिशियल एनर्जी थी किसके पास अंदर वाले स्फीयर के पास थी। एक पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो कोई डाउट, बाहर वाले के पास कुछ भी नहीं है। जब आप दो शेल्स को या स्फेयर्स को वायर से कनेक्ट करते हो तो हमने शेल प्रॉब्लम में किया था सारा का सारा चार्ज अंदर का कहां चला जाता है बाहर शिफ्ट हो जाता है, तो सारी अब सारी चार्ज की वैल्यू कहां शिफ्ट हो जाएगी बाहर के ऊपर। तो बाहर की एनर्जी कितनी है क्यू स्क्वायर सेम चार्ज है अपॉन 2 टाइम उसकी कैपेसिटी। तो उसने क्या पूछा लॉस कितना है, तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को माइनस कर दोगे तो लॉस आ जाएगा, या फाइनल में से इनिशियल लॉस करो तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा लॉस। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे आपने एनर्जी का डिफरेंस निकाला और कैसे लॉस माना जाएगा, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक सर। हाँ बोलो। इसमें बैटरी तो नहीं कनेक्टेड थी ना? नहीं बैटरी कनेक्टेड नहीं है, चार्ज करके छोड़ा हुआ है अंदर वाले स्फीयर को। अगर कनेक्टेड होती तो फिर चेंज हो जाता कुछ चीज, स्फीयर में बैटरीज कहां कनेक्टेड होती हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फीयर को बैटरी से कनेक्ट कैसे करोगे? नहीं कि अगर सेम एग्जांपल कोई और क्वेश्चन नहीं के लिए नहीं ऐसा, स्फीयर कभी बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं होते, कहते रहो स्फीयर तो बस चार्ज स्फीयर होते हैं, वो कैसे चार्ज होते हैं वो हमारा मतलब कि बैटरी के साथ पैरेलल प्लेट केमिस्ट्री मिलेगा आपको, मतलब आपको कभी ऐसा दिखेगा नहीं कि ये मैंने एक स्फीयर लिया, ये स्फीयर लिया इट इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी, नहीं ऐसे कैसे, ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ऐसा हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करते इसमें, हम ऐसा करते हैं बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ काम करते हैं, राइट। जो स्फीयर के क्वेश्चन आते हैं वो चार्ज स्फीयर ही लेके आएगा बस। तो क्वेश्चन है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V एंड कनेक्टेड पैरेलल टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2। तो कैपेसिटर C1 पोटेंशियल V, कैपेसिटर C2 पोटेंशियल 0, अनचार्ज्ड है। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि क्या पूछ रहा है कॉमन पोटेंशियल। तो जब आप इन्हें कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो एक अनचार्ज्ड है तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी 0, दिस इज द आंसर। तो आसान क्वेश्चन है, तो पॉइंट क्लियर है कि कॉमन पोटेंशियल की प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी, ये पढ़ो खुद ट्राई करो।
ट्राई करो एक बार, फिर से ट्राई करो इसे प्लीज। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन वन कैपेसिटर्स, तो सीरीज में कितने कैपेसिटर्स हैं? एन वन। कैपेसिटी कितनी है? सी वन। और कितनी बैटरी के साथ कनेक्टेड है? 4V। व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन टू कैपेसिटर्स, ईच अ वैल्यू सी टू। अब कितने कैपेसिटर्स हैं? एन टू। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। वैल्यू कितनी है? सी टू। बैटरी कितनी कनेक्टेड है? वी। हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो टोटल एनर्जी सीरीज वाले कैपेसिटर्स की एंड पैरेलल वाले कैपेसिटर्स की एग्जैक्टली सेम है। तो वहां से आपको रेशियो निकालनी है एन वन एन टू की, जो भी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, ये बताओ सीरीज के अंदर जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे तो सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3 अप टू n1 टाइम्स, क्योंकि सीरीज में ऐसे कितने कैपेसिटर्स कनेक्टेड है? n1। तो 1/C1 n1 टाइम, तो क्या बनेगा? n1/C1। तो 1/C की वैल्यू क्या आएगी? n1/C1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? C आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई। तो इसमें सीरीज के अंदर बैटरी कितनी कनेक्टेड है? 4V। सीरीज के अंदर वैल्यू कितनी है? C1/N1। तो ये सीरीज में क्या आ गई? एनर्जी। अब पैरेलल की एनर्जी के इक्वल है, पैरेलल में एनर्जी निकाल लें CP। कितने कैपेसिटर्स हैं? N2। किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। तो और वैल्यू कितनी है? C2। तो C2 + C2 + C2 + C2 कितना? N2 C2, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो सिंपली ऐड ही करना होता है C2 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 N2 टाइम्स, तो N2 × C2। क्या पॉइंट क्लियर है? तो और बैटरी कितनी कनेक्टेड है? V। तो पैरेलल में V कनेक्टेड है, सीरीज में 4V कनेक्टेड है। तो पैरेलल के अंदर N2 C2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, सीरीज में C1/N1 है। इक्वेट करके यहां से C2 और C1 की रेशियो जो भी निकालनी है आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आज के टॉपिक में जो शीट्स हैं वो आपने नोट किया होगा कॉमन पोटेंशियल, और आपने एक और चीज नोट की होगी कॉमन पोटेंशियल एनर्जी के साथ मिक्स होकर आ रहा है। कॉमन पोटेंशियल अकेला क्वेश्चन नहीं है, कॉमन पोटेंशियल और लॉस एनर्जी, ये दोनों कॉन्सेप्ट इकट्ठे पैरेलल में है, ऐसे आ रहा है ना। और ऐसी एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये देखो इस तरीके से, तो एनर्जी और कॉमन पोटेंशियल की शीट बनाई गई है ये सारी। इसको तो बाद में करेंगे, लंबा क्वेश्चन है अभी ये। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ना प्लीज, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। देखो क्वेश्चन है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी कितनी? सी।
इज कनेक्टेड टू बैटरी एंड चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, ठीक है, एक सी है वी के साथ कनेक्ट कर दिया, अनदर कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटी कितनी 2C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2V, तो दो कैपेसिटर हो गए, द चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, तो दोनों कैपेसिटर को अलग अलग हमने चार्ज कर दिया, उसके बाद कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर, देखो बोल दिया ना उल्टे कैपेसिटर कनेक्टेड है इसका मतलब, तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, लेकिन कॉमन पोटेंशियल में C1 V1 प्लस C2 V2 की जगह C1 V1 माइनस C2 V2, समझ आया कैसे पता लगेगा, क्लियर है यहां तक, तो क्या कह रहा है फाइंड द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है, तो पहला कैपेसिटर C पोटेंशियल V, दूसरा कैपेसिटर 2C पोटेंशियल 2V, Q1 Q2 आ गया, कॉमन पोटेंशियल सर्च करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 की जगह C2 V2 माइनस C1 V1 जो भी होगा, तो यहां पर नेगेटिव करके यू विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, यानी कि यहां पर ऐड नहीं करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2, यहां पर क्या करेंगे सबट्रैक्ट, क्लियर है, कॉमन पोटेंशियल आ गया, तो सिस्टम में अब कॉमन पोटेंशियल का मतलब बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल के अंदर सी प्लस 2C मिल गया 3C, तो एनर्जी क्या होगी हाफ इंटू 3C इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, फिर तो कर ही लोगे, सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो हाफ इंटू टोटल कैपेसिटेंस इंटू वी का स्क्वायर, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बैटरी एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, एक बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, उसने बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो इस कैपेसिटर से पूछा गया तेरे पास कितनी एनर्जी स्टोर है, तो कैपेसिटर एनर्जी का फॉर्मूला लगाता है कितना हाफ इंटू क्यू इंटू वी, और बोलता है मेरे पास एनर्जी कितनी है हाफ इंटू क्यू इंटू वी, क्लियर है, ठीक है यहां तक, बैटरी से पूछा कि तूने कितना चार्ज दिया इसको चार्ज करने के लिए, बैटरी क्या बोलती है कि मैंने इसको क्यू चार्ज दिया था और मेरा पोटेंशियल कितना है वी, तो मैंने कितना वर्क डन किया चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो मैंने कितनी एनर्जी दी क्यू इंटू वी, यार कैपेसिटर कहते हैं मेरे पास एनर्जी पहुंची आधी हाफ इंटू क्यू इंटू वी, बैटरी कहती है मैंने तो एनर्जी दी क्यू इंटू वी, बाकी कहां गई चार्जिंग में लॉस हो जाती है, जब भी बैटरी क्यू इंटू वी एनर्जी देगी कैपेसिटर को बैटरी की पूरी एनर्जी कभी मिलती ही नहीं, कितनी मिलती है उसकी आधी मिलती है, ऑब्जेक्टिव आएगा ड्यूरिंग अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कितना एनर्जी का लॉस होता है ड्यूरिंग अ चार्जिंग, कैपेसिटर को कितनी एनर्जी नहीं मिलती हाफ इंटू क्यू इंटू वी, हाफ क्यू वी मिल जाती है हाफ क्यू वी नहीं मिलती क्योंकि टोटल एनर्जी बैटरी क्या देती है क्यू वी, ऑप्शन मार्क करना हाफ इंटू क्यू इंटू वी जब भी आएगा, क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक, अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पर अगर आपके पास n प्लेट्स हैं n प्लेट्स का कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा n माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जैसे इस फॉर्मूले में अगर n प्लेट की का दो प्लेट्स हैं तो n की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पता ही है पैरेलल प्लेट जो दो प्लेटें होती हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर तीन प्लेट्स होंगी तो 3 माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद रखना है, क्लियर है यहां तक, ठीक, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है यार, प्लेट वाला बताया कि अगर दो प्लेट्स हैं तो ये कैपेसिटेंस है, अगर n प्लेट्स हैं तो यहां पर n माइनस 1 कर देना है, बस ये देखो ये जो कैपेसिटर की प्रॉब्लम है ये देखने में लग रही है कि कुछ बड़ी सी है, तो नॉन मेडिकल वाले तो फिर भी दो लाइन में समझ लेंगे कि क्या किया, इंटीग्रेशन के स्टेप तो उनको टीचर सिखाएंगे मैथ्स के, कोई बात नहीं, मेडिकल वाले एंड में फॉर्मूला कर लें सफिशिएंट है, मेडिकल वालों को देखने की भी जरूरत नहीं है, नॉन मेडिकल वालों को ये क्वेश्चन ऐसे की बजाय ना जो क्वेश्चन समझाता हूं हल्का सा मॉडिफाई करके 2021 में इसमें डाल दिया, जो मैं शीट दूंगा आपको 2021 कैपेसिटर्स की उसमें ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा एक आध क्वेश्चन बीच में डाल दिया जाए, जबकि 60 से 70% क्वेश्चन बहुत आसान है, आप मानोगे
ऐसा क्वेश्चन भी आया, दो कैपेसिटर सी एंड टू सी, 10 वोल्ट की बैटरी, चार्ज बता दो क्या है, बस खत्म। ये मैं आपको दूंगा मैं शीट, आप देखना। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आया तो आप ये नहीं कह सकते मैं इसको देख के मैं मेंस क्लियर कर लूंगा, उसको देखते लगता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, समझ नहीं आता कि होगा कि नहीं होगा। तो ओवरऑल आप यही प्रिडिक्ट करेंगे, अगर आपको 30 क्वेश्चन दूंगा कैपेसिटर्स के, उसमें से 20 तो निकलेंगे एवरेज और इजी, 10 में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट 22-23 ठीक कर जाता है, बट ठीक है यार, सारे तो कैसे होंगे एक बारी में, 5-7 नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो भी कुछ ना कुछ सीट आपको मिलेगी ही मिलेगी, पेपर क्लियर होते हैं। ठीक, कॉम्पिटिशन क्या है, एनसीईआरटी का तो कैसे होगा, एनसीईआरटी का तो नहीं होगा, एनसीईआरटी का पेपर तो आसान आता है यार, बोर्ड का पेपर तो इतना मुश्किल नहीं आता। देखो इस क्वेश्चन में कैपेसिटर है, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, आपने इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। हमने सीखा था अगर ऐसे भर दिया तो सीरीज में है, ऐसे भर दिया तो पैरेलल में है। वो कहता है ना मैं ऐसे ना मैं ऐसे, मैं तो टेढ़ा भरूंगा डायगोनल, तो ऊपर के टू नीचे के वन। अब प्रॉब्लम है फिर से, उसने कहा कि ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है ना, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में ये वाला पोर्शन के टू से भर दिया और ये वाला पोर्शन के वन से भर दिया, क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। अब ये तो मैंने नहीं सिखाया आपको, कैपेसिटर इनिशियली थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है, तो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कैपेसिटर में क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप ये ना सोचें कि आप कि आपकी प्रॉब्लम है या मैं ही ऐसा हूं, नहीं नहीं सारे ऐसे हैं। तो आप जब नए क्वेश्चन, क्योंकि आप तीसरा लेक्चर है और आप देख रहे हो वैरायटी खत्म नहीं हुई अभी तक कैपेसिटर की, एक एक क्वेश्चन करवाता हूं सिर्फ, और कितनी वैरायटी है, और एक लेक्चर और पढ़ा एक और वैरायटी का, एक से भी ज्यादा ही पढ़ा होगा, दो ही लेक्चर पढ़े होंगे, तब जाके कैपेसिटर को खत्म होना है। ये इतना बड़ा कैपेसिटर है, पर अच्छी बात ये है क्योंकि देखो हमारा काम है सारा कुछ पढ़ना, हम तो सारा कुछ पढ़ेंगे, ओवरऑल पेपर जब मैं कैपेसिटर का दूंगा आपको एवरेज और ठीक है अच्छा लगेगा, शीट में से भी लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगेंगे। ड्रॉप वाला क्वेश्चन आ गया एन इज टू पावर 2/3 कैपेसिटर में, कितना आसान आंसर ही आ गया यार, जिसके सेट में आ गया उसको तो बढ़िया ही हो गया। ठीक, तो हम सारा कुछ करेंगे, कौन सी चीज कब काम आएगी हमें मालूम नहीं है। ठीक, हाँ कैपेसिटर में थोड़ा सा आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वैसे मैं आपको बता दूं हर साल की प्रॉब्लम है, कैपेसिटेंस में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि पैरेलल सीरीज दिखते नहीं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। पैरेलल सीरीज के अंदर अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करें प्लीज, ऐसे ही आप अपना टाइम खराब करेंगे। आप पिछले 10 साल का पेपर उठा लो, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सीरीज पैरेलल का कभी भी देते ही नहीं है, वो एनर्जीज के ऊपर, कॉमन पोटेंशियल के ऊपर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये ज्यादा देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, आप खुद देख लेना क्या देते हैं, फिर उसी हिसाब से आप तैयारी कर लेना, तो आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत हाई एंड क्वेश्चन नेटवर्क बहुत बड़े बड़े, कोई टेंशन नहीं है इतनी, हम करेंगे ऐसा नहीं हम करेंगे, पर लेकिन इतना स्ट्रेस लेके करने की जरूरत नहीं है कि हमसे हो नहीं रहे। तो आप पुराने पेपर अभी मैं दूंगा आपको, आप ट्राई करना एक बार। तो इसके अंदर ये पीछे की विड्थ कितनी है, बी बी, और इस क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, डी। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम यहां पर आएंगे तो यहां पर डायलेक्ट्रिक चेंज होता जा रहा है, देखो ना यहां K2, K1, K2, K1, K2, K1, तो हमें बीच में एक छोटा सा कैपेसिटर लेना पड़ेगा। ये एक छोटा सा कैपेसिटर लिया हमने, हम पहले इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे फिर इंटीग्रेट करके टोटल कैपेसिटेंस आएगी। तो जब ये पोर्शन लिया तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया, ये विड्थ कितनी है dx और ये लेंथ कितनी है b, तो एरिया क्या होगा इसका छत का, b into dx। तो ये कैपेसिटेंस मान लो स्मॉल कैपेसिटेंस DC2 और ये DC1 और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज में। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर ये मान लो थीटा एंगल है और अगर सपोज करो ये डिस्टेंस जो हमने एलिमेंट लिया वो x डिस्टेंस पे लिया, अगर ये x है ये थीटा, तो ये क्या बनेगा x tan थीटा, और टोटल अगर d है तो ये क्या बनेगा d minus x tan थीटा। अब इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी इन दोनों की, DC1 DC2 का ये रहा सम, तो ये DC1 DC2 आ गया, DC1 होगा DC1 K1 into epsilon naught, एरिया की जगह क्या पुट करेंगे ये रहा b into dx ये रहा अपॉन ये डिस्टेंस कितना है x tan थीटा ये रहा।
ऐसे दूसरे कैपेसिटर का पुट करेंगे डीसी टू के टू इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम और डिस्टेंस की जगह डी माइनस एक्स टेन थीटा, बस इस डीसी वन डीसी टू को उठा के यहां पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी। जीरो से एल इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ द कैपेसिटर एल गिवन है, ये आप मैथ्स में जब करेंगे तो मैथ्स में इंटीग्रेशन सिखाएंगे आपको, मेडिकल को जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन करने की, तो सॉल्व करके ये आंसर आएगा। तो मेडिकल वाले भी चाहे तो सर ये फॉर्मूला मार्क कर लें कि अगर डायगनली, रादर नॉन मेडिकल को भी कहूंगा फॉर्मूला देख ही लें, कई बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया तो कम से कम सीधा आंसर मार्क करेंगे, इंटीग्रेशन से वैसे भी नहीं होने वाला। तो आपको जब ये नई 2021 का पेपर दूंगा सॉल्व करने में, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन दिया है इसका, आप खुद एक बार ट्राई कर लेना अगर हो सकता है, नहीं तो ठीक है करेंगे, डाउट्स की फॉर्म में तो आएगा ही। पर क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये इसका स्टैंडर्ड आंसर है कि अगर कैपेसिटेंस में डायगनली आपने K1 K2 को इंसर्ट किया है, ठीक है यहां तक। ये प्लेट्स वाला क्वेश्चन हमने कर लिया और ये क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये नहीं किया, नहीं किया ये देखो, हाँ पता नहीं शायद किया ऐसा, हाँ किया है, पर ये मुझे तरीका अच्छा लगा सॉल्व करने का। पता क्या किया इसने, कह रहे ये पी पॉइंट है, मैंने ऐसे किया था V1 V1 V2 V2 याद है, ये क्या करता है कहता है मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है तो सबको दे दो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये देगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये देखो ये बन गया, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव नेगेटिव। तो वो कहता है देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर पैरेलल में आंसर, ये सही है। इसमें पता लग जाता है कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो याद है एक कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव लगता है तो तीन में क्या लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो तीन कैपेसिटर्स बनेंगे। अच्छा तरीका ये भी हमने किया हुआ है वैसे ये V1 V2 से, तो लैडर वाली प्रॉब्लम भी हमने ऑलरेडी की हुई है, राइट। एक चीज मैं करवाना चाहता हूं, दो मिनट का काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी कैपेसिटर का, जब आप प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे तो आप फंस सकते हैं इसमें, तो मैं पहले बता दूं। सपोज करो आपको मान लो ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर गिवन है, मान लो ये आपका प्लेट ऑफ कैपेसिटर गिवन है, आपको क्वेश्चन में कहा गया कि इस कैपेसिटर को टोटल आपने चार्ज दिया Q1, टोटल आगे पीछे मिला के आगे और पीछे दोनों तरफ, और इस पूरी प्लेट पे चार्ज कितना है Q2, Q1 Q2। अब कैपेसिटर की क्या प्रॉब्लम है, अंदर चार्ज पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है और इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर कैपेसिटर पे काम करवाना है तो प्लस क्यू माइनस क्यू लेना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा बताओ इसके आगे पीछे क्या क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि कैपेसिटर अपने आप इंडक्शन करेगा और चार्जेस को रीअरेंज करेगा। तो आपने ऐसे करना है, आपने मानना है कि मान लो इसके अंदर की तरफ चार्ज कितना है एक्स, तो बाय इंडक्शन यहां पे चार्ज कितना है माइनस एक्स, टोटल प्लेट पे चार्ज कितना है Q1, तो यहां पे कितना है Q1 माइनस एक्स, ताकि दोनों ऐड करके आंसर क्या आएगा Q1, क्लियर है। उसी तरीके से अगर ये माइनस एक्स है तो ये क्या होगा Q2 प्लस एक्स, ताकि टोटल बिकम्स Q2, क्या स्टेप क्लियर है। एक रिजल्ट हम करेंगे, प्रूफ लंबा है इसका पर अभी शॉर्टकट करेंगे, ऑब्जेक्टिव में से शॉर्टकट काम आएगा कि जब हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के जो कॉर्नर्स हैं यहां पे ये वाले कॉर्नर्स, इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, यानी कि Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना Q2, ये याद रखना है। तो यहां से 2x विल बी इक्वल टू क्या Q1 माइनस Q2, तो x की वैल्यू क्या आएगी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, तो अंदर का चार्ज क्या आएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2 और यहां चार्ज क्या आएगा एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। तो मेथड समझ में आया, आपकी शीट में लिखा होगा, आने वाले टाइम में भी लिखा होगा, पर मैं इसलिए पहले करवा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काम आएगा। ये Q1 Q2 है, अंदर x है तो ये माइनस x है, तो यहां क्या कर लिया Q1 माइनस x और यहां पर Q2 प्लस x, तो मैंने रिजल्ट याद करवाया कि ये वाला और ये वाला चार्ज हमेशा इक्वल होता है, एक्स आ गया। जैसे देखो सपोज आपके पास ये प्लेट्स हैं, सॉल्व करना इसे, ये 10 कूलम है ये 5 कूलम है, तो बोलो इसके अंदर क्या क्या चार्जेस होंगे। तो यहां पर क्या लें एक्स, यहां पर क्या लें माइनस एक्स, ये कितना आएगा 10 माइनस एक्स, ये कितना आएगा 5 प्लस एक्स, ये दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे इक्वल।
तो इन्हें क्या करेंगे, इक्वल। तो 2x विल बी इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये 5/2, ये -5/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर।